हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे सिर्फ एक्सेल की टॉपिक ही नहीं, हम आपकी प्रॉब्लम का भी सलूशन बना के डालते हैं। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन नंबर 3 में हम हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पर, वहाँ पे आपको इसके क्वेश्चंस के 1 और 2 दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में हमारे पास यहाँ आते सीरियल नंबर मंथ अमाउंट एंड काउंट का डेटा है। इसमें यहाँ लिखा गया है क्रिएट द चार्ट इन द ग्राफ एरिया यूजिंग द बिलो टेबल एंड शुड बी द प्राइमरी एक्सेस बार टाइप द काउंट एंड शुड बी द सेकेंडरी एक्सेस टाइप द फॉर्म तो ये आपका अमाउंट होगा और इसके बाद इसमें इसको रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें सीरियल नंबर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास अमाउंट भी है, मेरे पास काउंट ऑफ भी है। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट करके नॉर्मल चार्ट बनाया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि काउंट आपका दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अमाउंट आपका काफ़ी बड़ा है और काउंट आपका छोटा है। तो इंसर्ट टैब में आप कोई भी चार्ट देख लीजिए, मैं लाइन चार्ट को ही लेता हूँ। लाइन चार्ट ले लिया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया आपको कि मैंने दो चार्ट ले लिया, इसमें मेरा जो है नहीं दिख रहा है, क्या ये जो हमारा काउंट है वो नहीं दिख रहा है। बट काउंट को हमारा प्राइमरी एक्सेस करना है और इसको सेकेंडरी एक्सेस करना है। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए अपना फॉर्मेट डेटा सीरीज। यहाँ पे देखिए प्राइमरी एक्सिस और यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस है। हमने सिलेक्ट कौन सा किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है अमाउंट को। अमाउंट हमारा बाय डिफॉल्ट प्राइमरी एक्सिस है, इसको सेकेंडरी कर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर हमें इसको सेकेंडरी करना होता तो दो बार करना पड़ जाता। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको इस पर आ जाए, राइट क्लिक चेंज सीरीज टाइप चेन श्री चार्ट टाइप पे आई। यहाँ आपको दिख रहा है इसको सेकेंडरी एक्सेस किसको बनाना है, बस आपको क्लिक कर लेना है। तो मुझे अमाउंट को सेकेंडरी एक्सेस बनाना है और हमारा ये प्राइमरी एक्सेस रहेगा। और हमने कॉम्बो चार्ट में जो नॉर्मल कॉलम चार्ट है उसी को सिलेक्ट हमने किया। हमने छोटी सी गलती कर दी, मैं वापस इसको सही करता हूँ। हमने इसको सही किया, चले गए चार्ट श्री चार्ट टाइप में और यहाँ से हमने इसको से इसको अमाउंट को सेकेंडरी एक्सेस कर दिया। देन अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज और इसको ओवरलैप को यहाँ से हटाते हैं। और इसकी कलर चेंज कर दें तो सही रहेगा। सॉलिड और इसको रेड के जगह पे हम ब्लैक कर दें, रेडी रहने दीजिए। और यहाँ पे जो टू है इसको हम 1 कर देते हैं क्योंकि पीछे चला गया।
सही है, पर प्रॉब्लम यह है कि क्या इस तरह का चार्ट सही रहेगा। हाँ, इसको अगर आप लाइन में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे विथ लाइन टाइप दिख रहा है, तो बेटर रहेगा। तो चेन से चार्ट टाइप में आइए, और यहाँ हमें काउंट को देना है लाइन चार्ट, अब बेटर फील होगा, अब बेटर। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप इसको देख सकते हैं। मेरे ये चैनल पे एक डायनेमिक चार्ट का एक चैप्टर होगा, वीडियो होगा, उसको आप देख सकते हैं। डायनेमिक चार्ट आईपीटी इंडिया सर्च करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। और अगली क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली जो क्वेश्चंस की वीडियोज में डालूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। और मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरा नंबर स्टोर कर लीजिए, कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे मोबाइल ऐप में आप मेरी कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन पूछ सकते हैं, और मोबाइल ऐप वाले को मैं जल्दी से रिप्लाई करता हूँ। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।